मकैनिकल हेजर्ड्स एंड मशीन सेफ गार्डिंग्स इज मोस्ट ऑफ़ द टाइम इज रेलिवेंट टू हेजर ऑफ टेम्परेचर एक्सट्रीम्स टेम्परेचर एक्सट्रीम्स की इम्पोटेंस बाकी चीज़ों से कम्पेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है कैसे इसको हम दो पैराग्राफ में डी स्टूडेंट देखते हैं अ वर्क एनवायरमेंट इन विच द टेम्परेचर इज़ नॉट प्रॉपरली कंट्रोल्ड कैन बी अनकम्फर्टेबल फॉर एक्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ यू यहाँ पर जो टेम्परेचर है फॉर एग्जाम्पल ये ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड है ंग कूल कॉम्फर्ट इफ़ इट विल गो मोर दैन फोर्टी फाइव दैन इट विलीडिंग प्रॉब्लम फॉर मी और अगर ये ट्वेंटी से ब्लो जाएगा माइड पॉसिबल इट में आल सूर प्रॉब्लम फॉर मी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा सर्द दोनों चीज़ें इंसानी बॉडी के लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं एक्सट्रीम ऑफ इधर हीट और कोल्ड कैन भी मोर देन अनकम्फर्टेबल दे कैन भी डेंजरस सम टाइम अगर ये एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाए हीट तो वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन जाती है थर्मल कॉम्फर्ट

इन सब को वन बाई वन हम आगे भी देखेंगे लेकिन एज अ समरी अगर इसकी देखी जाए तो ये सब चीज़ें वर्किंग एनवायरनमेंट में यूज़ होती हैं और वहाँ पे कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं जो आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट के रिलेटेड होती हैं जैसा कि आपका एनवायरमेंटल हीट है आपका टम्परेचर वर्किंग एनवायरनमेंट का बाहर का टेम्परेचर विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैबिन में जो काम कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट हीट में आती हैं अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं कौन से एक्सेप्टेबल नहीं हैं अगर ये तमाम चीज़ें पॉलिसी के मुताबिक हैं एस ओ पीज के मुताबिक हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं तो ये तमाम चीज़ें ठीक काम हीट हीट एंड है उसको पहले हम देखते हैं। हीट लोड टू विच अ वर्कर मे बी एक्सपोज्ड फ्रॉम द कंबाइंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ मेटाबॉलिक एफर्ट इफ़ेक्ट ऑफ वर्क एनवायरमेंटल फैक्टर इसको अगर हम लोग उर्दू में देखें आसान वर्ड में देखें तो ये मुकम्मल हीट है जो वर्किंग एन्वायरमेंट में मशीन हर साइड से जो आपके इफ़ेक्ट कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं हीट स्ट्रेस अब फॉर एग्जाम्पल एयर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एयर मूवमेंट एंड रेडियंट हीट एक्सचेंज एंड क्लोदिंग रिक्वायरमेंट इन सब चीज़ों को एज ए कम्बाइन हम लोग हीट सट्रेस बोलते हैं

पहला पॉइंट है हीट अगर एक एम्प्लाई हीट में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है उसके बाद ठंडी जगह चला जाता है तो उसके इंजर्ड होने के चांसेस हैं या एक ठंडी जगह पे बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन एयर कंडीशन और अभी बाहर मैं यहाँ से निकल के चला जाता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है फोर्टी फाइव टेम्परेचर है तो मुझे हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अब ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं इन सब का एक मकसद है आपने इन सब चीज़ों को यूज़ करना है लेकिन एस के मुताबिक जब एस ओ पीज में रह के इन सब को यूज करेंगे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स में आप शिकार नहीं हो सकते हीट सट्रेन डिफाइन पहले मैंने हीट स्ट्रेस की बात की अभी हीट स्ट्रेन को डिफाइन करने लगा हूँ हीट स्ट्रेन इज ओवरऑल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल जिसमें फिजिकल मूवमेंट ऑफ बॉडी आ जाती है मुकम्मल जिसम की बात होने लगी है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द हीट स्ट्रेस हीट की वजह से आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हीट स्ट्रेन कहते हैं स्ट्रेस क्या था जो इफेक्ट है तमाम एनवायरमेंट का और स्ट्रेन क्या है उस इफेक्ट की वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट क्या कर रही है इसको हीट स्ट्रेन बोलते हैं रिकग्नाइजिंग हीट स्ट्रेन सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स सुपरवाइजर्स वर्कर्स शुड नो हाउ टू रिकोगगनाइज हीट स्ट्रेन आपके इमीजिएट बॉस को मालूम होना चाहिए कि किसी जगह पर अगर कोई इम्प्लाई वर्कर खड़ा है उस वक्त हीट स्ट्रेस कितनी है और हीट सट्रेंड कितनी है द फॉलोइंग फैक्टर्स आर साइन ऑफ एक्सेस हीट सोट्रेंड एक्सपोजर टू हीट स्ट्रेस शुड बी स्टॉप इमिजिएटली फॉर एनी इम्प्लाई एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ दि सिम्टम्स अगर ये सिम्टम्स आती हैं तो आपको हीट सटेंट को रोकना चाहिए असस्टेनेबल रैपिड हार्ट रेट ये टेक्निकल पॉइंट है मेडिकल साइंस के रिलेटेड है इसको मैं इजी वे में आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 हंड्रेड डीट्स पर मिनट माइनस द इम्प्लाईज एज इन ईयर फॉर एग्जांपल माय एज इज 40 ईयर फॉर एग्जांपल 180 एटी माइनस फोर्टी इज इक्वल टू वन तो 140 आपकी हीट जो हार्ट बीट है इसको हम देखते हैं कि ये ठीक है या गलत है नीचे एग्जाम्पल डी स्टूडेंट्स हमने दी हुई है वो भी देखें आप फॉर एग्जाम्पल अ फोर्टी ईयर्स ओल्ड एम्प्लाई हैज़ अ सस्टेंड हार्ट रेट ऑफ वन फिफ्टी बीट्स यहाँ पे उसकी जो बीट है हार्ट बीट वन फिफ्टी बीट पर मिनट है दिस इज द प्रॉब्लम बिकॉज द हार्ट रेट एक्सीड फ्राम वन फोर्टी वन एटी माइनस फोर्टी जो ऊपर मैंने फार्मूला बताया वन एटी माइनस फोर्टी बीट्स पर मिनट अब यहाँ पे जो वन फोर्टी है यहाँ पर देखा जाएगा कि वन फोर्टी से ये एक्सीड कर रही है वह है वन फिफ्टी उसकी एक्चुअल हार्ट बीट जब एक्चुअल हार्ट बीट वन फिफ्टी होगी तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस हीट स्ट्रेन का ये बंदा बायस बन रहा है इसी तरह बाकी भी एग्जाम्पल्स हैं इनको हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोल बॉडी टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन थर्टी एट पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड रिकवरी रेट माइनस आफ्टर द पीक वर्क एफर्ट इज ग्रेटर दैन वन टन बीट पर मिनट्स दैन सडन एंड स्वीयर फटीग नोजिया डिजीनेस लाइट हेडनेस ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम लोगों ने देखना है कि ये क्या हीट स्ट्रेन का बायस तो नहीं बन रही अगर बढ़ रही है तो उनको अवॉइड करेंगे डी ए ये देखें स्क्रीनिंग क्राइटेरिया वर्क सेवेंटी फाइव परसेंट वर्क ट्वेंटी परसेंट वर्क फिफ्टी परसेंट रेस्ट ट्वेंटी ये मुख्तलिफ कम्पोजिशन हैं वर्क की और आगे ये उनके किया गया काम है यहाँ पे जो आइडियल सिचुएशन है ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर देगी कि हमने कौन सी फैक्ट्री पे मूव करना है बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन यहाँ पर वर्किंग कर रही होती है बाज़ यहाँ पे या इन में से कोई ये कंबिनेशन यूज़ कर रही होती है लेकिन जिस चीज़ को रिकमेंड किया जा रहा है वो यहाँ पे है मॉडरेट वर्क यहाँ पे एम्प्लाई के फिजिकल इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अब यहाँ पे डी स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कंक्लूडिंग साइड पे हम मूव कर रहे हैं वो ये है पीट स्ट्रेस मैनेजमेंट ईट स्ट्रेस मैनेजमेंट के दो असूल हैं या तो आप जनरल कंट्रोल उस पर रखेंगे या स्पेसिफिक कंट्रोल रखेंगे जनरल में जेनेरिक है कि वर्किंग एनवायरनमेंट कम्फर्टेबल जोन में होना चाहिए आर्गेनाइजेशन कल्चर आर्गेनाइजेशन सेफ्टी आर्गेनाइजेशन हेल्थ आकोपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ये सब चीज़ें सो के मुताबिक होनी चाहिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक कंट्रोल स्पेसिफिक कंट्रोल में टेक्निकल बात हम करेंगे अगर कोई मशीन के ऊपर आप काम कर रहे हैं और उस मशीन की कोई हीट डिस्चार्ज हो रही है और वो हीट के लिए क्या इम्प्लाई ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए हैं और जो हीट स्ट्रेन है उससे बचने के तमाम एस ओ पी फॉलो किए हुए हैं तो हम लोगों ने जनरल भी इस चीज़ों को कंट्रोल करना है और स्पेसिफ़िकली भी कंट्रोल करना है ताकि ऑर्गनाइजेशन के जो एस ओ पीज़ हैं उनके मुताबिक रहते हुए वो जो एम्प्लॉज़ है वो सही तरीके से काम परफॉर्म कर सके